आज से तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाओगी, आज से तुम फेसबुक नहीं चलाओगी, आज से तुम व्हाट्सएप भी नहीं चलाओगी, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करोगी और तुम किसी से और नहीं करोगी। भाई ऐसा जो लड़के कहते हैं या फिर जो लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं कि मेरे मतलब कि बंदे मतलब बॉयफ्रेंड ऐसा बोल रहे मुझे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा क्यों लगता है भाई? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो रोक टोक होती है, यही जो मतलब लड़के जो है लड़कियों को बोलते हैं, लड़कियाँ इनका बुरा मान जाती हैं और लड़कियों को हमेशा यही बातें अजीब लगती हैं कि ऐसा ये बोल रहा है, ये गलत कर रहा है मेरे साथ, इसने मुझे हर जगह पे पाबंदी लगा रखी है, मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने देता, मुझे किसी से बात नहीं करने देता। तो भाई आज मैं आपको यही बताऊँगा, आज ज़्यादातर लड़कियों को मैं समझाना चाहूँगा कि आपको मैं यही बताऊँगा कि आप पे वो क्यों लगाते हैं रोक टोक, क्या ज़रूरी क्या है कि मतलब आपको ये बात करने के लिए किसी से रोकें। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना। तो फ्रेंड्स मैं हिमांशु आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पता करें कि ये जो हमारा बॉयफ्रेंड है हमें क्यों रोक टोक लगाता है या फिर जो गर्लफ्रेंड है वो क्यों हमें रोक टोक लगाती है। तो ऐसा तो आज मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर चैट करते हो, अगर आपकी नई नई सेटिंग हुई या फिर ऑनलाइन मतलब दूर का रिलेशनशिप है, जैसे कि आप उसे जानते नहीं, आप उसे मिले नहीं हो, तो कुछ दिन में आपका ये होने लगता है कि आप उसे हक जमाने लगते हो, हक जताने लगते हो कि ये सिर्फ मेरी है या फिर ये ऐसा है। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हक जता रहा है या फिर आप पे कब्जा करना चाहता है या आप पे हुक्म चला रहा है, वो आपको खोने से डर भी सकता है ना, हो सकता है आपको उससे प्यार हो गया हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं 100% में सिर्फ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार नहीं करते, सिर्फ टाइम पास करते, जिन्हें अगर आप किसी से भी बात करती हो या करते हो, आप जैसे किसी से भी दिन भर लगी रहे हो, आप उसे एक घंटे दे दो, एक डेढ़ घंटे दे दो, जब उसकी मर्जी, जब वो उसका मन करे, जब उसे लगे, ऐसे लगता है ना कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाने जाते हैं, वैसे अगर उसे लगे कि हाँ अब ऐसा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, तब वो आपसे आके बात करे। उसके बाद में आप चाहे जिससे बात करो, चाहे जितनी बात करो, चाहे जो बात करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो प्यार करता है, वो जो ऐसा करते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। जो आप पे हक जताता है, जो आप पे ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कि वो आपको गलत ही बोल रहा है, हो सकता है उसकी कुछ बातें सच होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए बोलते हैं। हमारे घर में जो हमारे मॉम डैड होते हैं, वो हम जब कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी कैसा भी करते हैं, तो वो हमें अच्छा बुरा समझाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तो भाई ये रोक टोक लगाना ना कोई वो नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं होती या फिर तुम पे कोई हक नहीं जमा रहा, कोई हुक्म नहीं चला रहा, ये सिर्फ तुम्हारी हित के लिए बोलते हैं, ना कि तुम्हारा कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए करते हैं। अब आपको वो खोने से भी डर सकता है, आप वो सोचता होगा कि आप किसी से ज़्यादा देर तक बात करोगी तो आप उससे ज़्यादा चेप हो जाओगी, उसके बाद में आप उसे छोड़ दोगी, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप पे वो कुछ भी करने के लिए मना करता है या फिर आपसे किसी से भी बात करने के लिए मना करता है, तो आप ये भी समझ सकते हो। अब जैसा कि आपको लगता है कि वो आपसे अपनी सारी बात मनवा लेता है और हमारी खुद नहीं मानता, तो एक बार आप उससे बात करके देखो, एक बार ठीक से सही से दोनों का जब मूड हो तो आप दोनों बात करके देखो कि देखो मैं तुम्हारी बात मानोगी, तुम भी मेरी कुछ बात मानना। ज़रूरी नहीं होता कि दोनों सेम टू सेम ऐसे ही कर लो, एक झुक जाए बिल्कुल ही और एक कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। दोनों एकदम बराबर के बन के रहो, तभी तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और आई होप कि आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करते चलो। और हाँ, आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि जब मतलब आप ऐसा कुछ करोगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी, ज़्यादा बेटर चलेगी, क्योंकि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। और इससे और इस वाले रिश्ते में ऐसा होता है कि आप पे ट्रस्ट भी जो है खोने लगता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको शक कर रहा है, आपको किसी से बात करने नहीं दे रहा, आप पे ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने देता, ये भी बहुत लोग सोचते हैं कि इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो मैडम और भाइयों, ऐसा ट्रस्ट कुछ नहीं होता, आप पे ट्रस्ट वो करता है, हो सकता है आप पे ट्रस्ट करता है, आपको नहीं खोना चाहता यार, सच बता रहा हूँ, आपको खोना ही नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो भाई मेरा अगर बातें मेरी समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो फिर भाई आप खुद ही समझने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। फेसबुक पेज मेरा यहाँ पर रखा, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।